क्या ये होगा या फिर नहीं होगा? विंगार्डियम लेवियोसा. नाइस, आई एम लाइकिंग इट. किस तरह रैप होता है ये? Hi guys, my name is Kashika. Welcome back to my channel. I hope you're healthy and happy wherever you are. And just in case you're watching me for the first time, welcome to my channel where we talk about acne, skincare, beauty, fashion, reviews. और आज ही मैं एक review लेके आई हूँ आपके लिए, which is kind of hyped, requested as well, because आजकल जो Dyson की hype है ना, वो बहुत ज़्यादा बनी हुई है. कुछ लोग बिल्कुल hate करते हैं कि यार हमने 50,000 लगा दिए, waste हो गए, नहीं curls stay करते या फिर word नहीं था. कुछ कुछ लोग बिल्कुल उसके fan हैं जो afford कर सकते हैं. Of course, मुझे personally इतना sensible नहीं लगता 50,000 किसी गैजेट में इन्वेस्ट करना. तो मुझे मिला है बहुत अच्छा क्लोज ड्यूब उसका, विच इज द अगैरो 6-in-1 मल्टी हेयर स्टाइलर. मैंने रिसेंटली अगैरो के 2 गैजेट्स यूज करे बालों को स्टाइल करने के. आई पर्सनली लव इट, सो आई थॉट चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं. लिटरली सब कुछ करता है, कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग, वॉल्यूमनाइजिंग एंड स्मूदनिंग. फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो आप भी बोल सकते हो, आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगी, यूज करूंगी. सो मैं खुद भी देखने वाली हूँ कि वर्थ इट है फिर नहीं है. वॉच इट टिल द लास्ट एंड नाउ लेट्स डू द रिव्यू. It's time to unbox this beauty. Now I've freshly washed hair. Literally अभी गीले हैं बाल. मैंने microfiber hair towel लगाया हुआ ताकि excess moisture सारा absorb हो जाए. अब unboxing करते हैं इसकी. So it comes in a very nice box. आप इसमें इसको store भी करके रख सकते हो, which is quite good. इसका नाम है Agarro 6-in-1 multi hair styler. So once you open the box, सबसे पहले है box में ऊपर gloves, which is very nice. इससे पहले भी जब मैंने Agarro का एक straightening brush मंगवाया था Amazon से, उसमें भी gloves आए थे, which is very good, because heat styling में कहीं ना कहीं हाथ जलते ही जलते हैं. So ऐसे ग्लव्स एकदम हैंडी रहते हैं. अब मेरे पास 2 ग्लव्स हो गए फ्रॉम Agarro. सो वेरी नाइस. आई थिंक डायसन में ऐसा कुछ नहीं आता, कुशनिंग के लिए दिया हुआ है. देन वी हैव द मेन अटैचमेंट, जो सबसे बड़ी इसकी मेन बॉडी है, वो कुछ इस तरह से दिखती है. एंड देयर यू गो. वाओ, द क्वालिटी लुक्स अमेजिंग. इसकी जो ये कॉर्ड भी है, ये पूरी 360 डिग्री रोटेटेबल है. तो ऐसा नहीं होगा आप यूज़ कर रहे हो और अटक गए हो. काफ़ी बार होता है ना, जो पुअर क्वालिटी के गैजेट्स होते हैं वैसे रोटेट नहीं हो पाते, तो आप लिटरली अटक जाते हो करते करते. एंड द वायर इज क्वाइट लॉन्ग. से ऊपर बॉक्स के अंदर है लेफ्ट एंड राइट वाला कलर, जो डायसन का सबसे फेमस है. एक लेफ्ट साइड के लिए होता है, एक राइट साइड के लिए होता है. देन इफ आई रिमूव दिस कुशन ऑल्सो, वी हैव अदर अटैचमेंट्स ओवर हियर. पहले है एक ब्रश अटैचमेंट जिससे आप कर्लिंग बहुत अच्छी कर सकते हो. ये तो सैलॉन में हेयर स्टाइलिंग करते हैं ना, वो हमेशा ऐसे ही ब्रशेस से स्टाइलिंग करते हैं. इससे जो वो बाउंसी कर्ल्स हैं वो बहुत अच्छे बन के आते हैं. दो मुझे ही सीखना पड़ेगा, मुझे नहीं आता. नेक्स्ट अटैचमेंट फील्स लाइक दैट Agarro का कॉम्बिंग ब्रश, जो हीट वाला आता है, जो प्रॉपरली यहाँ पे मेटल प्लेट्स है जो हीट हो जाती है. मेरे पास वो वाला भी ब्रश अलग से रखा हुआ है, बट ये एयर स्टाइलिंग के लिए, तो इसमें हीटिंग प्लेट्स नहीं है अंदर. इसके अंदर से जब आप यहाँ से एयर जाएगी, तो ये एयर के थ्रू कहीं ना कहीं आपके बालों को थोड़ा सा स्मूदन आउट करेगा. देन वी हैव द कॉम्बिंग ब्रश एज वेल. ये मेरा बहुत मन था काफी टाइम से अलग से ऐसा डिवाइस लेने का, जिसमें एयर के थ्रू ऐसे कॉम्बिंग होती हो, सो दैट ज्यादा हीट मेरे बालों में ना जाए. सो आई एम वेरी ग्लैड ये अटैचमेंट इसके अंदर आई है. एंड एट लास्ट इन दिस बॉक्स वी हैव दिस हेयर ड्रायर अटैचमेंट, जो कुछ इस तरह से दिखती है. सो वंस यू जस्ट अटैच इट टू दिस, आप इसको एज अ ब्लो ड्रायर भी यूज कर सकते हो. इस पर कोई भी अटैचमेंट लगाने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ है, जो है लॉक एंड अनलॉक का. तो सबसे पहले मैं इसको नीचे लेके जाऊंगी, उसके बाद मैं ये सबसे पहले ब्लो ड्राइंग की अटैचमेंट लगाने वाली हूँ, बिकॉज अभी मेरे बाल बिल्कुल गीले हैं. यू कैन मैच द एरोज एज वेल. एक बार एरोज मैच हो जाएंगे, आप इसको छोड़ सकते हो. एक्सेस वाटर था वो निकल ही गया होगा. एंड दिस इज माय फ्रेशली वॉश्ड हेयर. हल्का हल्का सीरम लगा लेती हूँ, यूजिंग दिस लॉरियल का हेयर सीरम दैट आई एब्सोल्युटली लव. नीचे नीचे लगाती हूँ, ज्यादा ऊपर ऊपर नहीं लगाना, खाली नीचे नीचे, सो दैट मेरे एंड थोड़े शाइनी भी रहे स्टाइल होने के बाद. लेट्स टॉक अबाउट द बटन्स इन दिस वन. सो जो मेन बॉडी है ना हमारी, ये वाली नीचे वाली, इसमें 3 बटन है. सबसे पहले है एक पावर बटन, उसके बाद है फैन बटन. आप देख सकते हैं यहाँ पे फैन बना हुआ है. इसको आप 3 बार जब क्लिक करोगे तो अलग अलग लेवल्स आएंगे. पहले क्लिक करोगे हल्की हवा आएगी, दूसरी बार तेज, उसके बाद और तेज. एंड सेम फॉर द हीट बटन, इस पर रेड कलर की यहाँ पे ऐसे हीट बटन का साइन बना हुआ है. इसमें जो आप क्लिक करोगे तो हॉट हवा आएगी बेसिकली. सो आपकी मर्जी, आपको कोल्ड एयर पे स्टाइल करना है या फिर हॉट एयर पे. सो स्विचिंग इट ऑन नाउ. तो ये अब ऑन हो चुका है. माय हेयर आज सेमी ड्राइड नाउ, मतलब हल्के हल्के गीले हैं, लेकिन जो मेन वाटर था वो बिल्कुल इसने हटा दिया है. मैंने 1 हीट मोड पे एंड फुल स्पीड पे किया. फैन स्पीड मैंने फुल रखी, हीट मोड मैंने 1 पे रखा, और मेरे बाल काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए. अगर आप हीट मोड 2nd, 3rd टॉप पे रखोगे तो और तेज़ गर्म हवा आएगी और जल्दी आपके बाल ड्राई हो जाएंगे. सो द हेयर ड्रायर पार्ट ऑफ दिस वन इज रियली नाइस. मैंने अपने वाइडर वाले ब्रश से ऑलरेडी अपने बाल थोड़े से डिटैंगल कर लिया, बिकॉज अब मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला ब्रश जिसका नाम है कॉम्बिंग ब्रश. प्रोसेस में इसको भी अटैच करना
करना है बटन को लेके गए नीचे एरोस को किया मैच एंड वंस इट्स लॉक्ड जस्ट रिलीज द बटन एंड हल्की सी कटक करके आवाज आएगी ताकि ये लॉक हो गया। ये देखो अब आवाज ये ऊपर रिलीज हो गया तो मतलब ये कम्प्लीटली लॉक हो चुका है। सो स्विचिंग इट ऑन अगेन। नाइस फैन स्पीड फुल फुल स्पीड मोड टू। And we are done with the combing brush attachment. मैंने इस साइड ना थोड़ा और अच्छे से करी, इस साइड हल्की हल्की कम करी, so that I can see the difference and definitely I can say एक difference है। ये वाली साइड देखो मेरी हल्की सी स्मूदर फील हो रही है, जो फ्रिज से ना ऐसे छोटे छोटे खड़े बाल होते हैं वो हल्के हल्के सेटल डाउन हो गया, वेयर एज इस साइड फ्रिज काफी ज्यादा है। तो अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसे फ्रिजी हेयर का प्रॉब्लम है लेकिन आपको प्रेसिंग नहीं करनी, ज्यादा हीट डैमेज नहीं करना अपने बालों को, तो ये अटैचमेंट काफी अच्छी है। इससे आपकी ब्रशिंग भी हो जाती है, आपके बाल ब्रश भी हो रहे हैं, ब्लो ड्राई भी हो रहे हैं। दिस अटैचमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड। नेक्स्ट इज अ वॉल्यूम मिनिमाइजर अटैचमेंट जो बिल्कुल ऐसे ब्रश में आती है, जो काफी अच्छे ऐसे ब्रशेस आते हैं ना बिल्कुल उन्होंने उसी शेप में बनाया, और यहाँ से आएगी हीट एंड देन यू कैन एड सम वॉल्यूम इनटू योर हेयर। बेसिकली ऐसे रोल करके आप हल्की सी ऐसे हीट देना चाहते हो हीट दे सकते हो। मुझे ऐसे वाले ब्रशेस के साथ इतना हैंडल करना नहीं आता, मुझे डर लगता है कि मेरे बाल स्टक हो जाएंगे। सो इसको मैं फ्यूचर में सीखूंगी एंड यू विल डेफिनेटली सी अ रील ऑन इट। मैं जब अच्छे से इसमें प्रो जाऊंगी ना तो मैं एक रील आपके लिए जरूर बनाऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन ज्यादा दे रही हूँ। नेक्स्ट अटैचमेंट पे आ जाते हैं विच इज कॉम अटैचमेंट, इसका नाम है स्मूदर अटैचमेंट, जो कुछ इस तरह से दिखती है। सो ये भी हो गया लॉक। अब जरा इसको भी यूज करके देखते हैं। वैसे अटैचमेंट बिल्कुल सेम है जो एरो का हॉट ब्रश आता है, द ओनली डिफरेंस है उसके जो हॉट ब्रशेस में यहाँ पे अंदर प्लेट्स हैं लेकिन इसमें अंदर कोई प्लेट नहीं है, इसमें स्पेस है हवा आने की। सो कहीं ना कहीं एयर के थ्रू आई थिंक आपके बालों को स्मूद आउट करेगा। डन विद स्मूदर ब्रश। ऑनेस्टली यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था बिकॉज यहां से अगर मैं यूज कर रही थी ना तो यहां तक तो ये जाएगा नहीं बिकॉज यहाँ पे रूट टच हो जाती है, बट बालों को अगर प्रॉपर इसके बीच में लेके जाना है जो इसके ये बने हुए गैप्स, तो उसके लिए आपको ऐसे पकड़ना पड़ेगा। वरना मुझे सबसे बेस्ट लगा अंदर की साइड से, जब मैं इसको अंदर की साइड से लेके गई ना तो ज्यादा अच्छा एक स्मूदनिंग इफेक्ट आया। यू कैन सी द डिफरेंस, हल्के हल्के बाल मेरे स्ट्रेटन अप भी हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैंने सेमी स्ट्रेटनिंग करी है, जो जल्दी जल्दी वाली हेयर स्ट्रेटनिंग होती है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैंने वो करी है। ये स्मूदर वाला डिवाइस भी मुझे ठीक लगा, बट ये ब्रश अटैचमेंट मेरा स्टिल फेवरेट था, ये ज्यादा इजी था वर्क करना और इससे और इफेक्टिवली मेरे बाल कहीं ना कहीं ऐसे स्ट्रेट हुए थे। सो या नाउ मूविंग ऑन टू द मेन अटैचमेंट जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, विच इज द कर्लिंग वाली अटैचमेंट, जो लेफ्ट एंड राइट ब्लो ड्राई कर्ल्स होते हैं। अब इसको जरा करके देखते हैं कि ये वर्क करता है फिर नहीं करता। मैंने काफी लोगों से सुना है कि जो बेसिकली एयर वाले कर्ल्स होते हैं ये इतने स्टे नहीं करते, सो आज जरा पता चल जाएगा ये करते हैं या फिर नहीं करते। हो गया, सो दिस इज लॉग नाउ। काफी लंबा डिवाइस हो गया बिकॉज ये ऑलरेडी यहाँ से इतना लंबा, ऊपर से यहाँ से भी इतना लंबा। विंगार्डियम लेवियोसा काफी लंबी है, मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ओके पहले एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि भाई क्या सीन है, कैसे काम कर रहा है। आई डोंट नो ये कैसे होता है। ओके हाथ हो गए इसमें बाल, पर ये ठंडा हो गया, मुझे हीट मोड पे करना है। क्या ये होगा या फिर नहीं होगा। ओके नाइस, मैंने फुल हीट मोड पे किया है, दिस इज द कर्ल। अभी मुझे डायरेक्शन का ज़्यादा आइडिया पता नहीं लग रहा, इस तरफ लेके जाना उस तरफ, तो पर जैसा हुआ मैंने अनलॉक इसको कर दिया। सो काफ़ी लोग मैंने देखा वो क्या करते, वो क्या बोलते हैं कि इसको खोलो मत, इसको ऐसी बेसिकली ऐसे रैप करके रख दो लॉक करके, सो दैट ये और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। दिस इज हाउ द कर्ल लुक्स लाइक। ये जो हवा से कर्ल होते हैं ना ये हल्के हल्के ऐसे ही होते हैं, वंस यू ओपन इट फॉर अ मोर वेवी इफेक्ट तो काफ़ी अच्छा एक बाउंस आता है आपके बालों में। ओके नाइस। अब मैं खाली इतना सेक्शन लेके देखती हूँ कि इतना बड़ा सेक्शन इसमें रैप होता ही नहीं होता। अभी तो मैंने फ्रंट वाले बाल करे थे बस, सो डूइंग इट अगेन, फुल हीट मोड पे कर रही हूँ ताकि और टाइट कर्ल निकल के आए। ओहो किस तरफ रैप होता है, इस तरफ। ओके टुवर्ड्स योर फेस। हीट तो काफी आ रही है,
ओके देयर यू गो एंड दिस इज हाउ द कर्ल लुक्स लाइक. मैंने इस बार बहुत मोटा बाल लिया था, सेक्शन थोड़ा बड़ा लिया था एंड सेक्शन के हिसाब से कर्ल बिल्कुल वैसी आया. लाइक लुक एट दिस, काफ़ी अच्छे कर्ल्स निकल के आए. अगर मैं इसको खोलूँगी ना तो ये बहुत अच्छा एक बाउंसी लुक निकल के आएगी. लाइक लुक एट दिस, मैं आपको एक डिफरेंस दिखाई देती हूँ खाली अगर मैं फ्रंट फ्रंट के बाल लूँ जो मैंने कर्ल करे हैं. सो दिस इज स्लाइटली कर्ली हेयर जो मुझे समझ नहीं आया कि इस डायरेक्शन में लेके जाना है, मैं खाली सीख रही हूँ. बट दिस इज हाउ द हेयर लुक्स लाइक. लेफ्ट साइड आप देख सकते हो एंड दिस इज हाउ द राइट साइड लुक्स लाइक. अब एक बार टेस्ट कर रहे हैं तो राइट साइड भी टेस्ट कर ही लेते हैं. एंड इट्स लॉक, या लॉक हो गया. Nice. मैं धीरे प्रो हो रही हूँ. ये बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है. एंड दिस इज द 10 सेकेंड कर्ल और यू कैन कॉल इट 15 सेकेंड बिकॉज 5 सेकेंड मैंने इसको बंद करने में भी लगाए हैं. सो या दिस इज हाउ द कर्ल लुक्स लाइक. आई एम नॉट श्योर कि इसको अंदर की तरफ करना है, बाहर मुझे सीखना पड़ेगा इसको करने का तरीका ना. बट द कर्ल्स आर टर्निंग आउट रियली नाइस. लाइक लुक एट दिस. अगर मैं सीख जाऊँगी ना तो बहुत प्यारे कर्ल्स होने वाले हैं. इससे काफ़ी वॉल्यूम भी आ जाएगी. जो ये फ्रंट साइड में लोग करते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे मैंने देखा है इस साइड पे लोग बहुत अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम के लिए करते हैं. पर ज़रा करके देखते हैं क्राउन एरिया में कैसे वॉल्यूम आती है. वैसे ये सेंटर पड़ता है तो मुझे नहीं पता लेफ्ट बॉन्ड यूज़ करनी चाहिए राइट, तो राइट जो लगी हुई है मैं उसी से करने वाली हूँ. सो ज़रा करके देखते हैं. ऐसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं. Nice, I'm liking it. Okay, मैंने सेंटर का बाल कर्ल कर दिया. बट इफ आई ओपन इट लाइक दिस, आ गया ये वो आ गया. मुझे इंस्टाग्राम पे जो सेलिब्रिटीज ऐसे एक बाउंसी लुक आती है ना, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ. थोड़ा सा टाइम लगेगा सीखने में बट यू कैन सी द बाउंस. लाइक मेरे पहले बाल कितने फ्लैट ऐसे फॉल कर रहे थे और ये हल्का सा कर्ल करते बहुत अच्छा फ्रेम आया बेसिकली बालों को, एक ऐसे बाउंस जैसा आया है एंड इट लुक्स नाइस. फ्रंट के बाल आप देख सकते हो, मैं पीछे के सारे बाल हटा दूँ. सो दिस इज द पोर्शन दैट आई काइंड ऑफ कर्ल्ड एंड एज दे से ये कर्ल्स खुल जाते हैं. ये वो वाले टाइट वाले कर्ल्स नहीं, अगर आप वो शादी वाले कर्ल्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इससे हो जाएंगे तो इससे नहीं होंगे. आप अगैरो की वो टॉन्स ले सकते हो कर्ल करने वाली. ये हीट वाले कर्ल्स होते हैं जो खोल के बेसिकली आपको ऐसी वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं. सो आप देख सकते हो हल्के हल्के ऐसे खुल गया है और एक सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम मेरे बालों में आई है. सो या आई रियली लाइक द अटैचमेंट. नाइस. अब मैं जब सीख लूंगी ना तो एकदम प्रो होकर आपको रील्स या फिर शॉर्ट्स की फॉर्म में इसका ट्यूटोरियल दूंगी. दिस वॉज माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन अगैरो 6-in-1 मल्टी स्टाइलर. इसके यहाँ पे क्लेम्स भी लिखे हुए हैं, एक बार मैं क्लेम्स भी पढ़ लेती हूँ. लेट्स सी ये क्लेम्स ठीक है फिर नहीं है. सबसे पहले कहता है 3-speed हीट सेटिंग. 3-speed सेटिंग है, 3-heat सेटिंग है, विच इज राइट. दोनों की अलग अलग सेटिंग है. ओवर हीट इसमें प्रोटेक्शन है कि अगर ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, आप बहुत देर से इसको यूज कर रहे हो तो ये ऑटो शट डाउन होकर कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा ताकि ज्यादा कुछ वो ना हो. आयोनिक टेक्नोलॉजी है जो अगैरो के काफी प्रोडक्ट्स में आती है, जो आपके बालों को भी सेफ रखती है. इंटेलिजेंट हीट कंट्रोल है जो बेसिकली अलग अलग अटैचमेंट के हिसाब से हीट को कंट्रोल करके चलता है. देन इट हैज अ ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी एज वेल एंड इसमें 360 डिग्री स्वर्ल पावर कॉर्ड है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. ये 360 डिग्री घूमती है तो आप किसी भी एंगल में अगर ऐसे ऐसे करके कर्ल करोगे तो ये अटकेगी नहीं. ग्लव्स का यूज नहीं किया बट ग्लव्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं. बैरल ना थोड़ा अगर आप बहुत ज्यादा यूज करो तो हीट अप हो जाती है, तो तब आप डेफिनेटली ग्लव्स पहन सकते हो. और ये रेगुलर ग्लव्स नहीं है, ये आप देख सकते हो ऐसे डॉट डॉट बनी हुई है, ये हीट प्रोटेक्शन वाले ग्लव्स होते हैं. 22,000 का डिवाइस है लेकिन आपको 11,000 का मिल रहा है अमेजोन पे, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो. मैं नीचे लिंक डाल दूंगी और किसी वेबसाइट पे भी अच्छी डील पे होगा तो मैं वो भी लिंक डाल दूंगी. एंड ओवरऑल आई थिंक एज अ फर्स्ट इंप्रेशन आई कैन से इट इज वेरी वेरी नाइस. दिस वॉज माई कशी क्विक रिव्यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स मिल जाएंगे. और अगर आपको कहीं भी ऐसा ट्यूटोरियल दिखे ना जहाँ पे वो समझा रहे हो इनको यूज कैसे करना है, प्रॉपर कर्ल्स कैसे करना है इससे, प्लीज मुझे भेजना. मैं सीखूंगी अच्छे से, खुद करूंगी, फिर आपको अच्छे से और अच्छे बेटर वे में सिखाने की कोशिश करूंगी. सो हेल्प मी, डू सेंड मी दोज ट्यूटोरियल्स. ओवरऑल आई लव इट, डू चेक इट आउट. आप गिफ्ट कर सकते हो. आई थिंक वेडिंग सीजन आ रहा है, आपको किसी भी अपनी फ्रेंड को कुछ वेडिंग गिफ्ट देना है तो ये बहुत अच्छा आइडिया बिकॉज इट्स वेरी गुड. बहुत अच्छे बॉक्स में भी आता है तो आप किसी को गिफ्ट भी करोगे ना तो बहुत सुंदर ये लगेगा. वेरी थॉटफुल, वेरी यूजफुल. सो डेफिनेटली चेक इट आउट. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. अगर नए आए हो मेरे चैनल पर प्लीज टेक अ मोमेंट सब्सक्राइब. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.